फाइनली दोस्तों रियलमी ने चाइना के अंदर कल एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है 5G रियलमी GT Neo 2 के नाम से। इसके बाद इंडिया में कब तक आ पाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जाएगा दिवाली से पहले। वैसे भी दोस्तों दिवाली से पहले बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने हैं। IQ Z5 सीरीज चाइना के अंदर आज लॉन्च होगी और इंडिया के अंदर 27 सितंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च की जाएगी। रियलमी नार्जो 50 सीरीज आएगी इसके बाद 24 सितंबर को। Xiaomi 11 लाइट NE 5G 29 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगी। Vivo X70 सीरीज भी 30 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद आएगा Motorola S20 Pro 1 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी इंडिया के अंदर। इसके बाद नए कुछ स्मार्टफोन है, Xiaomi CV स्मार्टफोन ये भी अक्टूबर में लॉन्च की जाएगी। OnePlus 9RT सबसे फेमस जो कि 15 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होगी। और Infinix Zero X भी ये स्मार्टफोन पहले लॉन्च हो गया है। Xiaomi की 11 T सीरीज भी अब पहले लॉन्च हो गई है। OnePlus Note 3 भी दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये लीक्स हैं अभी। तो इतनी सारी लिस्ट होगी दिवाली से पहले, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने Realme GT Neo के स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी के। तो बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम ताकतवर यानी कि दमदार देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको फ्रंट और बैक दोनों के अंदर आपको ग्लास देखने को मिलेगा और फ्रंट में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलेगा रियलमी GT Neo 2 के अंदर। फ्रंट में टॉप फ्रंट में आपको लेफ्ट साइड में पंच होल दिया जाएगा, जहाँ पर आप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में नंबर 1 कहलाएगा Realme GT Neo 2। अब बात करेंगे फ़ोन के थिकनेस की, तो 8.6 mm की थिकनेस के साथ आएगा। वेट की बात करें तो अराउंड 200 ग्राम इसका वेट होने वाला है, तो ज़्यादा वेट नहीं होगा। अब बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो 6.62 इंचेस की E4 सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले होगी। 120 GHz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट मिल जाएगी और 10 बिट वाली डिस्प्ले होगी यहाँ पर। और यहाँ पर 1,000,000+ आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो ब्राइटनेस के मामले में भी काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी GT Neo 2। 600 GHz का इसमें टच सैम्पलिंग रेशो मिलेगा आपको, तो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और 398 PPI पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। फ़ोन के रिजोल्यूशन की बात करें तो 1018x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है ये स्मार्टफोन। फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिलेगा। रियलमी का यूजर इंटरफेस होगा 2.0 वर्जन, लेकिन अब नया अपडेट भी आने वाला है 3.0 वर्जन, जो नए फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन पार्ट यानी कि उसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की चिपसेट मिलेगी 5G वाली, और यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। 64 बिट वाला होगा इसका प्रोसेसर। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर होगा 3.2 GHz का, इसमें क्लॉक स्पीड मिल जाएगी आपको और कोरियो 585 CPU देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे इसके ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स भी आपको अच्छी मिलेगी, एड्रीनो 650 मिल जाएगी, तो गेमिंग आप अच्छी तरह से कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। बात करेंगे वेरिएंट की, तीन वेरिएंट आएंगे, 8GB 128GB, दूसरा वेरिएंट होगा 8GB 256GB, तीसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB। UFS 3.1 वर्जन स्टोरेज टाइप में मिलेगा और रैम टाइप में आपको LPDDR5 वर्जन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और बात अच्छी होने वाली है, आपको वर्चुअल रैम मिल जाएगी अप टू 7GB तक, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये स्मार्टफोन। अब बात करेंगे इसके मैन कैमरे की, तो ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का मैन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसके फीचर की बात करें तो LED फ्लैश, HDR, पनोरमा ये सब कर पाएंगे। और अब बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरे की, तो पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, यहाँ पर भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साउंड की बात करें तो डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, स्टीरियो और ओबी डल्बी साउंड के साथ। 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा आपको। अदर कनेक्टिविटी में वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन, GPS में आपको AGPS, गुलनोस, BDS, गैलीलियो, QZSS, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी आपको मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा 2.0 वर्जन। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी बैकअप की, तो 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी होगी। यहाँ पर आपको 65 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा सुपर डर्ट वाला, और 100% फ़ोन चार्ज करने में ओनली 36 मिनट लेगा ये स्मार्टफोन।
सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लैक, ब्लू एंड येलो। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये रियलमी GT Neo 2 स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्राइस की, तो अंडर 30,000 प्राइस में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड डिसलाइक किए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।